जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है ज्योग्राफी और आज हम पढ़ेंगे 66वां एक्सरसाइज भारत की मिट्टियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करना होगा अध्ययन केंद्र मैथ, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। अभी मैं वहाँ पर आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ जिसमें सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज चल रहा है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं भारत की मिट्टियाँ। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने वर्ग में बांटा गया है? 4 वर्ग में। कितने प्रकार की मिट्टी है? 8। और क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से भारत में कितने प्रमुख टाइप है? तो 4। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियां बहा के लाती है जलोढ़ मिट्टी, तो नदी काफ़ी अधिक है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी भी क्या है, काफ़ी अधिक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम लगाना है, मीन सबसे पहले जो सबसे अधिक है वो, और सबसे बाद में जो सबसे कम है वो आपको अरेंज करना होता है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है, तो पहले जलोढ़ मिट्टी होगा, फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। सबसे कम यहाँ लैटेराइट मिट्टी का टाइप है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? जलवायु, संरचना एवं उच्चावाच की विविधता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। तटीय मैदानों और उत्तरी मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, कौन सी मृदा या कौन सी मिट्टी इसमें पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़, ऑप्शन नंबर ए सही है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं खादर मिट्टी, क्योंकि इसमें खाद पहले से ही रहता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। थोड़ा समझ लो जलोढ़ मिट्टी होता क्या है। जैसे मान लो कोई मीन्स पहाड़ी है, ठीक ना, पहाड़ी क्या होता है, कंकर का बना होता है, उससे नदियाँ निकलती है, तो पहाड़ी का जो मीन्स कंकर होता है उसका जो मिट्टी बनाता है ये, तो वो मिट्टी बनता है जलोढ़ मिट्टी, मीन्स फर्स्ट स्टेज होता है मिट्टी का, तो इसीलिए सबसे उपजाऊ कहा जाता है, इसलिए इसको खादर मिट्टी भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि भारत के उत्तरी साइड में, क्योंकि उत्तर साइड में जो भी नदियाँ हैं वो मीन्स पर्वत से निकलती है, तो उसके आसपास क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी होगा, तो उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है। 9वां प्रश्न दिया गया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, बांगर, ऑप्शन नंबर बी, और न्यू जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना होगा? जलोढ़ मिट्टी, अभी जिक्र किए थे जलोढ़ मिट्टी से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से नीचे लगभग कितना मीटर तक है? यह 600 मीटर तक, 600 मीटर नीचे तक क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। गंगा के मैदानी एवं पूर्वी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? इसे हम कहेंगे बांगर, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो गंगा मैदान के आसपास क्या है? जलोढ़ मिट्टी ही है। नया बहा के लाएगा उसको हम कह देंगे खादर, और जो पुराना का जिक्र किया गया है उसको हम कहेंगे बांगर। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए यहाँ पे आपका सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होगी? मीन्स जिसको खादर कहेंगे, जिसमें खाद पहले से उपलब्ध है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाएगी? फिर पुरानी आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। जलोढ़ मिट्टी तो है ही, उसको कह देंगे हम बांगर। ऑप्शन नंबर बी, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? यह 24%। 24% जो कि सबसे अधिक है वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीगा की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे हम कौन सा नाम देते हैं? उसे हम कहते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, फिर से रिपीट कर लेता हूँ, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू का कण मिल जाएगा लगभग 50-50% का, तब उसे हम कहते हैं दोमट मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग की दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी हुई है? यह काली मिट्टी। काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। 18वें प्रश्न पे आ गए हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय मीन्स हो गया साउथ इंडिया, ठीक ना, भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है काली मिट्टी। काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए।
कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी अगर प्रश्न ऐसे दे, काली मिट्टी में क्या उपजाया जाता है, तो कपास, ऐसे भी पूछ देगा। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा मीन ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उससे निकलता है लावा, तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी का याद रखना, काली मिट्टी और लावा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इंडिया में बहुत अधिक ज्वालामुखी होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया में दो ही ज्वालामुखी है, आपको उसमें से बस एक याद रखना है जो अंडमान निकोबार में है, ठीक ना। लोकेशन पूछेगा कि भारत में कहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है, तो अंडमान निकोबार में। ओके, आगे हमारा काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब जगहों पे पाया जाता है। रेंगून मृदा किसकी मृदा के लिए सर्वोत्तम, मीन्स रेंगून मृदा जो है उसमें सबसे अच्छा क्या चीज उपजेगा, तो वो पूछता है कपास। कपास ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? जैव पदार्थों से भरपूर होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मीन्स कौन सा कथन गलत है, तो इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये गलत है, जबकि सही क्या सब है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होता है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होता है, इसमें आर्द्रता की कम सॉरी इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, पानी को अधिक देर तक अवशोषित करता है। ओके, सूखने पर काली मिट्टी में दरारी नहीं पड़ती, दरारें पड़ जाती है, सॉरी फिर से रिपीट कर लो ये तीनों कथन। पहला यही समझ लो कि सूखने पर काली मिट्टी में दरार पड़ जाएगा, बी में दिया गया है आर्द्रता अधिक समय तक धारण करता है, और एक दिया गया है कि काली मिट्टी में कपास अधिक उपजेगा। ओके, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है? बेसाल्ट लावा के कारण, अपक्षय के कारण कौन सा मिट्टी का निर्मित होगा, तो आपका रेंगून मिट्टी हो जाएगा। रेंगून ऑप्शन नंबर बी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? आपका आंसर बन जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी क्योंकि इसमें आर्द्रता होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। भारत में काली मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेंगून मिट्टी कहा जाता है, रेंगून मिट्टी। यहाँ पे इस प्रश्न को फिर से देखो, बेसाल्ट लावा, जहाँ भी लावा का जिक्र हो ना, मतलब ये काली मिट्टी ही लाता है, और काली मिट्टी को ही हम रेंगून मिट्टी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर रेंगून मिट्टी था। ओके, आगे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है, मीन्स वो अपने आप जुत जाता है, तो वो भी है काली मिट्टी। काली मिट्टी ऑप्शन नंबर बी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? लाल मिट्टी सबसे अधिक होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा को निम्न प्रकारों में से कौन सा है, मीन्स प्रायद्वीपीय भारत में जो उसका क्षेत्रीय मिट्टी है, लोकली मिट्टी, इसको किसको कहा जाता है, तो लाल मिट्टी और पीला मिट्टी को, लाल मिट्टी और पीला मिट्टी को। लेकिन सबसे अधिक अगर पूछ दे प्रायद्वीप में कौन सा मिट्टी है, तो हो जाएगा काली मिट्टी। तमिलनाडु के दो तिहाई क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु के दो तिहाई क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी का। लाल मिट्टी का ऑप्शन नंबर ए। लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये गलत है। नदी घाटी में दोमट मिट्टी पाया जाता है। ओके, लोह अयस्क की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है। लोहा ऑक्साइड या लोह अयस्क के कारण इसका रंग लाल होता है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो ये तीनों कथन सही था, एक कथन गलत था, ये आपका आंसर होगा। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। मालाबार तटीय क्षेत्र में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मालाबार तट में कौन कौन से राज्य आते हैं। ओके, हम कई बार बता चुके हैं। किस मिट्टी में लोह और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? लोह और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है लेटराइट में। लेटराइट ऑप्शन नंबर डी। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, लेटराइट मिट्टी कहाँ अधिक पाया जाता है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में, मालाबार कोस्ट पे। ओके, ऑप्शन नंबर बी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुवर्ध होता जा रहा है? ये कौन सा मिट्टी है? तो ये हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, इसी मिट्टी में बस लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? वो है आपका लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ये प्रश्न कई बार पूछ लिया है, कठोर होने पर ये ईंट की तरह हो जाएगा और गीली होने पर दही की तरह हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मीन्स कौन सा कथन गलत है? तो यह एक क्षारीय मिट्टी है, ये गलत है, जबकि लेटराइट मीन्स ये तीन कथन जो है वो लेटराइट मिट्टी के बारे में, ठीक ना, यहाँ पे लिखना भूल गया है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ये सही है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में चाय की कृषि भी की जाती है, तो यहाँ पे लेटराइट मिट्टी के बारे में सारे कथन सही थे, सिवाय इसके कि लेटराइट मिट्टी क्षारीय है, ये गलत हो गया। 39वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मीन्स इसमें से एक कथन क्या है आपका गलत है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, गलत हो जाएगा ना, लेटराइट में किसकी अधिकता है, आयरन की, लोहा की, फेरॉन की, ओके। सुख जाने पर यह ईट की तरह कठोर हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें लोहे और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ये भी सही है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, ये भी सही है। उर्वरा शक्ति सबसे अधिक किसका होता है, दोमट मिट्टी का, काली मिट्टी का, इस सबका अधिक होता है, लेटराइट का सबसे कम था। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि या मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, अपरदन मतलब मिट्टी बह जाता है, ठीक ना, मिट्टी खराब हो जाता है, तो वो कितना मिट्टी है इंडिया का जो इसका मीन्स इसका अंतर्गत 60%, ओके, मीन्स अपरदन से, जिसको सॉइल इरोजन कहते हैं इंग्लिश में, वो 60%। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सा है, धान की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। धान की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी जलोढ़, कपास के लिए काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी अभी पढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और तमिलनाडु में, बट इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यहाँ हो जाएगा केरल, आपको साउथ का ही चुनना है, ठीक ना, साउथ में अधिक हो जाता है ये, तो केरल, ऑप्शन नंबर सी। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, पेड़ लगा के वनरोपण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, सॉइल इरोशन को प्लांटेशन के थ्रू हम रोक सकते हैं उसको। रंगून मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ये रिपीटेड प्रश्न हो गया, रंगून मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, यह है काली मिट्टी, काली मिट्टी, रंगून मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी। रंगून मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, रंगून मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, रंगून मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है, तो वो होता है मखरला मिट्टी, मखरला मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बन गए हैं, किसके अपरदन के कारण चंबल में चंबल के खड्ड बन गए हैं, तो ये बन गया है अब नालिका, नाली के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है, मीन सॉइल इरोशन जो होता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको दिया गया है, तो ये हम कर सकते हैं अधिक पेड़ लगाकर, अधिक पेड़ लगाने का कुछ दिया नहीं है इसमें, तो समुच्च क्षेत्र का किनारा बंदी करके, ये भी सही है, पूरे क्षेत्र का आप क्या कर सकते हो, किनारा बंदी कर सकते हो, और भू उपयोग का विनिमय करके, ये दोनों यहाँ पे सही है। अगर पशुओं को चराने की छूट देंगे तभी उसे होता है, मीन्स अधिक चराने से भी हो जाता है और वृक्षों को काटने से तो होगा ही, तो यहाँ पे उपचार कहा जा रहा था, तो आंसर आपका बी है, मीन्स समुच्च क्षेत्र का किनारा बंदी करके और भू उपयोग का विनियम करके, और साथ ही ये देख सकते वृक्ष लगाकर और पशुओं को चरने से रोक कर, ठीक है ना, ओवर ग्रेजिंग जो होता है उससे भी आपका सॉइल इरोशन हो जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, कार्बनिक पदार्थ मीन्स कार्बन की मात्रा या जीवाश्म की मात्रा किसमें अधिक होती है, तो वो होता है काली मिट्टी में, काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा के प्रकार कौन से, अभी पढ़े थे कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कौन सा मृदा होता है, तो काली मिट्टी, काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि आता है, तो ये आपका हो जाता है राजस्थान, राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है, वो हो जाता है ऊसर, ऊसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। टोटल 52 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके और पहुँच भी सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।